हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, जैसे आपको पता है कि भाई 10 मुहर्रम का दिन है आज, और हर जगह पे नियाज वगैरह बहुत कुछ किया जाता है, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो मेरे साथ दो बंदे और हैं, एक है हमारे हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप बताओ। तो मुहर्रम का अहमद भाई ने जो बोला, एहतराम करें आप लोग और लंगर नियाज करें अपने घरों में। एहतराम मैंने ज़रूरी है, ये है कि एहतराम लाजमी है। और जो लोग मेरे उनसे गुजारिश है, जो लोग ढोल ताशे पीट रहे होते हैं, ताजिए निकाल रहे होते हैं, इनसे थोड़ा सा यही एहतराम है कि ये चीज़ें ना करा करें। अच्छी बात नहीं है। इन दिनों में एहतराम ज़रूरी है, आप एहतराम करें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। बाकी मेरी बात से किसी की दिल आज़ादी हुई तो मैं माजरत चाहूँगा। अच्छी बात बता रहे हैं, गलत तो बताई है। यहाँ पे शोर भी होगा, पता नहीं बाइकें चल रही हैं। तो अभी उसामा से पूछते हो, उसामा भी है भाई हमारे को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से ही होंगे। क्या याद किया भाई? क्या मदरसे याद करो। हारिस मदरसे आया हुआ, बोला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, उम्मीद करते हैं। तो ये हमेशा यही होता है। तो भाई आज का सीन आपको पता है, माशाल्लाह से बहुत महीना है, इतना अच्छा महीना है, और इस महीने में हमें इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारे दीन के लिए। अगर वो नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं होते, तो आज हम मुसलमान नहीं होते, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें इतने बड़े महीने का एहतराम करना चाहिए, हमें हकीकत तो एहतराम के साथ इस महीने को गुजारना चाहिए। और ये जो मैं नौ दस दिन है, इसके अंदर हो सके आप कारोबार वगैरह छोड़ दें अपने, और एहतराम ये नहीं है ज़रूरी। इसने बोला जो ताज़िया वगैरह का, मैं ये हम ऐसे आप इस बारे में छोड़ दें, इसका जो दिल करे वो करे, लेकिन एहतराम करें। हर किसी का अपने अकीद और अकायद होते हैं, हम उनको नहीं छेड़ सकते। दूसरों को छेड़ो ना, अपने को छेड़वाओ ना। आप वो करें आपका जो दिल करे, सही है। और दिल जो होता है फिर सब कुछ होता है। तो बाकी अहमद भाई बताएंगे हमारे। तो भाई मैं भी यही कहूँगा कि भाई इस महीने का खास एहतराम होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को तंग करें या किसी के लिए कुछ करें। मेन चीज़ जो होती है, हमारे जो इमाम हुसैन ने जो दर्स दिया है, वो दिया है नमाज का, वो तो हम नहीं पढ़ते, जो हमें सबसे पहले अपनाना चाहिए, ठीक है। बाकी हर चीज़, हर छोटे बड़े का एहतराम होना चाहिए, हर बंदे का एहतराम होना चाहिए। नियाज जो भी आप करते हो अपने उससे, अपने अकीदत से आप कर सकते हो, किसी को कोई मना नहीं, लेकिन एहतराम पहले। हम गाने लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, दूसरों के हटाने के लिए गाने स्टेटस पर लगा देंगे। हमें असल में खुश करना सिर्फ अल्लाह को। जाहिर सी बात है, इमाम हुसैन खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश होंगे, तो बस सकता है। उस चीज़ अगर बुरी लगे तो वो माजरत उसके लिए। ये कि ब्लॉग है आगे है, अभी लंगर शरीफ भी है, लंगर वगैरह सारी चीज़ें उसमें आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अपना बिलाल शेरानी हमारे भाई बिलाल भाई ने वो किया है कि भाई लंगर का एहतमाम किया, वो भी आपको दिखाएंगे क्या तवरुकात है, क्या चीज़ें, क्या लंगर है, जितना हुआ हमने आपको इंशाल्लाह इसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं उस तरफ, फिर आपको लंगर वगैरह दिखाते हैं, जो भी सीन हुआ है वो आपको दिखाते हैं। चलो मस्तम बंदा दे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम वृंदानम के सगे पूरे शेर यस्तानम। कभी दीवार हिलती है, कभी दरकाम जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान
तो भाई ये अपना शरबत देते हुए बड़ा तमाम किया माशाल्लाह से, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। कौन सा है भाई ये शरबत? रूहअफ़ज़ा है भाई, रूहअफ़ज़ा और दूध मेरी दूध है भाईजान। इसको बनाने में साइड में बड़ी मेहनत लगी है। जो बात है, दोनों प्लेस साइड में। हाँ भाई बड़ी मेहनत कर रहा है भाई। ये देखो बांटने जा रहा है भाई, यही है ये भी तो छोटा। ये देखो भाई थालियां वेलियां सब है, तमाम की जा रही है। जो के पार्सल का भी खुसूसी इंतजाम है, ये रहेगा और चलता रहेगा। हाँ तो भाई आपने देखा किस तरीके से लंगर जितना हमसे हो सका, ये लोग तो दोनों चले गए थे, पता नहीं इनको कोई न्याज थी होगा, कोई घर के मामलात थे इसकी वजह चले गए थे, लेकिन मैं उधर ही था। आपने वीडियो में भी देखा किस तरीके से मेयर से जितना हुआ मैंने किया, कि मैं अपने आप को वैसे तो इतना इस लायक नहीं समझता, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी इसमें नाम ज़रूर, एक किसी को अगर पानी भी पिला दो तो इसमें भी नाम तो शामिल हो कि भाई चलो इसने इतना भी किया। तो ये लोग वापसी से आ गए, इनको पकड़ के मैं घर से ले आया हूँ। तो अभी इनसे पूछते हैं कि भाई लोग को एंड भी करना है ना यार, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा। इनसे पूछते हैं ये कुछ कुछ बोलेंगे, दो दो लाइनें सबके लिए। तो भाई इधर आओ हारिस भाई जी। हाँ तो भाई हारिस भाई कहाँ चले गए थे भाई, पब्लिक बोल रही है तुमने बोला था लेकिन बीच में ये लोग चाटते भाई। नहीं अहमद भाई, बात कुछ ऐसी थी, आपको पता है दिन ऐसा है 10 मुहर्रम का, तो घरों में भी न्याज का एहतमाम होता है। तो न्याज नज़र कर रहे थे तो बांट रहे थे गली मोहल्ले में, तो उस वजह से हम आ नहीं सके। तो मैं हाँ बस व्लॉग एंड पर ये तो मैं एक अल्फाज कहना, एक कुछ शेर है वो कहना चाहूँगा इमाम हुसैन के लिए, कि यजीद था और इमाम हुसैन हैं और ता कयामत रहेंगे, और अगर वो नहीं होते तो फिर इस्लाम नहीं होता, और उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिल में है और हमेशा मरते दम तक रहेगी। और इमाम हुसैन ने जो हमें मेन जो दर्स दिया है कि बस नमाज कभी नहीं छोड़ना, हम लोग अपने आप को भी वो करते हैं, हम लोग भी नहीं पढ़ते, लेकिन ये कि हमें पढ़नी चाहिए सबको, और सब्र का जो दामन होता है वो हमेशा थाम के रखना है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो जाए कुछ भी आ जाए लेकिन उसको थाम के रखना है। अब मैं उसामा से पूछता हूँ कि उसामा क्या बोलेगा। चलो भाई फिर उसके बाद। हाँ तो भाई क्या बोलना चाहोगे? यार मेरे पास तो कुछ अल्फाज नहीं है कहने को, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है और हमें इस मतलब कि जो है ना आप लोग हमें जो है ना सोचना चाहिए कि ये क्या मतलब किस तरीके से हमें फील करना चाहिए। तो अब अगर आप कोई अपने आप पे लेकर आओगे ना इस चीज़ को कि किस तरीके किस तरीके से हुआ है, तो आपको, खुद पता चलेगा कि जो ना नहीं यार ये बिल्कुल जो है ना ये तो ये कि आप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुशियों को दूर रखें और हो सके हर चीज़ को एहतराम करें। और एक यही बात कहूँगा कि जो है ना इस महीने का एहतराम करें और अपनों से प्यार करें और अल्लाह पाक को याद रखें, और जो नज़र वगैरह न्याज वगैरह करते हैं वो ये करेगा। और बस और दूसरी बात ये है कि ये करबला का वाकया, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो है ना आप अपने रब को कभी भी ना छोड़ना ज़िंदगी में, हर वक्त अपने रब को याद रखें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे वो वजह ये इसी वजह पे ही आई थी कि क्योंकि वहाँ पे हाथा के सामने भी मुसलमान ही थे, लेकिन उसका मसला ये था कि वो मुसलमान तो थे लेकिन वो दिल में मतलब खौफ खुदा नहीं था। दूसरी बात ये कि अपने आप को वो खुदा मान बैठे थे तो, और दूसरी कहानियाँ थी, और लेकिन इमाम हुसैन ने बोला कि नहीं हम हक पे हैं, और अल्लाह पाक नमाज के लिए उन्होंने अपना सर कटाया, और हमें भी बस यही क्या नाम है यही याद रखना चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। सही है, तो नमाज काम आएगी ठीक है, सबसे पहले ये होना चाहिए। हमारा भाई थोड़ा सा परेशान हो गया धूप में, वो वीडियो बना रहा है, बाकी अहमद भाई बताएंगे। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पर करेंगे अपने पन के साथ एंड। तो भाई जिन्होंने जितनी अच्छी अच्छी बातें की अच्छा लगा सुन के, तो भाई मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा सलाम हो उस नाना के अपना नाना के नवासे पर जिसने इस्लाम के खातिर इतना सब कुछ किया। तो भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप रखें अपना ख्याल, हम तो रख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में, इंशाल्लाह इसके बाद एक वीडियो भी आएगी वो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या लोग में, दुआओं में हमें याद रखिएगा, जो सपोर्ट करते अच्छी बात है, जो नहीं करते उनका भी शुक्रिया, कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के अंदर।